तो इस तरह से हमने जो भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होते हैं उसको समझ लिया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। अब अगर मैं प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि द सब्सटेंस विच आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड इनवेरिएबल इन कंपोजिशन इनवेरिएबल इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब जो भी मेरे पास सब्सटेंस है उसको दो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहला कि वो मिक्सचर जो होगा वो होमोजेनियस होना चाहिए, और दूसरा इनवेरिएबल इन कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन थ्रू आउट दी सब्सटेंस सेम होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन बोलता है कि हाँ, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो मतलब वो प्योर सब्सटेंस है। अब ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गई कि ये क्या बोलना चाहता है। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि व्हाट इज द कंपोनेंट। पहले ये जान लेते हैं क्योंकि आगे बढ़ने से पहले कंपोनेंट जानना जरूरी है कि कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट एक एग्जांपल सिंपल सा लेता हूं मैं। वॉटर, दिस इज अ सिंगल कंपोनेंट। नाइट्रोजन गैस, दिस इज द सिंगल कंपोनेंट। ऑक्सीजन, सिंगल कंपोनेंट। अमोनिया, सिंगल कंपोनेंट। अब देखिए, वॉटर प्लस मिल्क, मल्टी कंपोनेंट। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, टू कंपोनेंट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, अगेन टू कंपोनेंट। तो समझ में आ रहा है? तो कंपोनेंट क्या होता है कि जो सिंगल कंपाउंड है या सिंगल एलिमेंट है, मैं उसको एक कंपोनेंट बोल सकता हूं। और अगर उसके अंदर दो तीन अलग अलग चीजें मिक्स है तो उसको मैं बोल सकता हूं कि जैसे ये हो गया, ये मेरा क्या है, इसमें इसमें दो कंपोनेंट है, ये एक मिक्सचर है, इसमें दो कंपोनेंट है, ये एक मिक्सचर है, दो कंपोनेंट है। तो ऐसे करके ऐसे भी हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, मतलब 3, 4, 5 n नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस मुझे नेचर में मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्योर एलिमेंट बोलो या उसका कंपाउंड कंपाउंड बोलो, ये सब एक सिंगल कंपोनेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन वन। मैं क्या करता हूं इसमें, मेरे पास सिचुएशन वन में एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट प्लस सिंगल फेज हो या टू फेज हो। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सिंगल कंपोनेंट है और वो सिंगल फेज में एग्जिस्ट हो रहा है या टू फेज एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब उसके अंदर सिंगल फेज है या दो फेज है। ठीक है, मतलब मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एक कंपोनेंट है और वो एक फेज में है या दो फेज में हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं कि दिस इज दी प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि ये है मेरा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जहां पे भी एक कंपोनेंट मिला, कितना भी फेज हो उसमें, एक दो, तुरंत मैं उसको
फिर मुझे ये डेफिनेशन को नहीं देखना है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि हाँ ये मेरा प्योर सब्सटेंस है, ओके। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है वो देख लो, सिचुएशन टू। अब ये केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास ग्रेटर देन वन कंपोनेंट, मतलब दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कितना भी हो सकता है, और ये जो है इसके अंदर वन फेज होगा या टू फेज होगा। तो अब ये केस में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये प्योर सब्सटेंस होगा या नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग, तो वो केस में मुझे इस डेफिनेशन को ध्यान देना होगा कि मिक्सचर मस्ट बी होमोजेनियस और कंपोजिशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अभी पहले सिचुएशन में मैं ये डेफिनेशन क्यों नहीं देख रहा था, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया ऑलरेडी ये केस में फुलफिल हो जाता है, इसमें हमने सोचने की भी जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है, मिक्सचर होमोजीनियस ही रहने वाला है क्योंकि सिंगल कंपोनेंट है, और कंपोजिशन भी जब सब्सटेंस ही पूरा का पूरा सेम है तो उसमें फिर कंपोजिशन का सवाल ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा वही मटेरियल है, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, जब मेरे पास मोर देन वन कंपोनेंट हो, टू थ्री फोर एन नंबर हो सकते हैं, और एक फेज हो या दो फेज हो। अब ये केस में मुझे ये क्राइटेरिया देखना होगा कि हाँ कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस मुझे दिया है क्या वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो वो इसमें चेक करना होगा। तो हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला तो मैं इसका कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। इसके एग्जांपल तो वाटर हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये सब इस कैटेगरी में आ गए। लेकिन अब जब मोर देन वन कंपोनेंट है और उसमें वो वन फेज या दो फेज का कॉम्बिनेशन है, वो केस में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मेरा प्योर सब्सटेंस है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे एयर का। अब एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर में वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे एयर जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नियान, ऐसे ऑर्गन, ऐसे कुछ पांच छह गैसेस का मिक्सचर है। लेकिन इसमें से जो मेजर पोर्शन है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये दो गैसेस को ही कंसीडर करूंगा, नाइट्रोजन एंड दूसरा ऑक्सीजन। तो इससे एक चीज पता चल गई कि ये जो है दो कंपोनेंट वाला मिक्सचर है, दो कंपोनेंट विथ, ये सिंगल फेज में है कि डबल फेज में है, सिंगल फेज में है क्योंकि गैसेस एयर है, ठीक है, तो सिंगल फेज, टू कंपोनेंट सिंगल फेज। अब हम लोग चेक करते हैं ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप एयर को देखोगे तो एयर जो है वो अच्छे से मिक्स होता है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन एक साइड रहेगा और दूसरे साइड ऑक्सीजन चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो प्रॉपरली मिक्स होता है। तो इसके लिए मिक्सचर जो होगा वो होमोजीनियस होगा। अब दूसरा जो है कंपोजिशन देखते हैं। आप एयर का कोई भी सैंपल ले लो, ठीक है, कोई भी सैंपल ले लो, आप उसमें अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट देखोगे तो आपको सेम मिलेगा, और वो कितना होगा, वो होगा 79% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है एंड 21% जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो कंपोजिशन भी थ्रू आउट दी सैंपल सेम होगा। तो इसका मतलब एयर जो है वो मेरा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये है शुगर सॉल्यूशन का। तो अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूं तो वो शुगर सॉल्यूशन बनता कैसे है, एक ग्लास में मैंने वाटर लिया, ठीक है, और उसमें मैंने शुगर ऐड किया और उसके बाद उसको अच्छे से स्टरर किया। तो स्टरर करने के बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो उसके क्रिस्टल्स हैं शुगर के वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर।
ओके तो जैसे ये डिजोल्व हो जाएगा इट मींस जो मिक्सचर होगा वो होगा होमोजेनियस, नंबर वन क्राइटेरिया। दूसरा, आप उस सॉल्यूशन का कोई भी पोर्शन ले लो और उसमें वाटर और शुगर इन दोनों का परसेंटेज देखो आपको सेम मिलेगा। इसका मतलब मिक्सचर इज जो है वो इनवेरिएबल इन कंपोजिशन है, कंपोजिशन सेम है। इसका मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन लेता हूं, सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें भी दो कंपोनेंट हुए, एक तो सॉल्ट और दूसरा वाटर, और जब मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व करने के बाद ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक फेज में होगा, लिक्विड फेज में, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर देखोगे ध्यान से तो होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। एंड दूसरा चीज, जो कंपोजिशन मिलेगा, कोई भी एक सैंपल ले लो आप, उसमें सॉल्ट और वाटर इसका जो परसेंट होगा वो सेम होगा। इसका मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, यहां तक ओके है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दो कंपोनेंट और दो फेज वाला एक एग्जांपल लेता हूं, इसको यहां पे मैं लिखता हूं, लिक्विड एयर प्लस गैसियस एयर, ये है मेरे पास, ठीक है, लिक्विड एयर एंड गैसियस एयर का मिक्सचर। अब इसमें अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये मेजर पोर्शन होता है, ठीक है। अब मुझे अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन है, यानी दो कंपोनेंट है विथ कितने फेज है, लिक्विड है और गैसेस है, यानी दो फेज है। अब मुझे देखना है कि ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। तो अगर मैंने इसे प्रॉपरली मिक्स किया लिक्विड एयर को और गैसेस एयर को, तो वो तो चलो होमोजीनियस बन जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है वो कंपोजिशन का है। अब इसमें क्या होता है कि जो गैसेस एयर है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21%, तो लिक्विड एयर अगर मैं लेता हूं तो उसमें ये जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कंडेंसेशन टेम्परेचर डिफरेंट है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में दोनों का जो कंपोजिशन है एज कंपेयर टू गैसेस एयर, जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। कंपोजिशन अब क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। होमोजेनियस का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है लेकिन कंपोजिशन का तो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहा ना, ये जो मिक्सचर हुआ ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो आई होप आपको प्योर सब्सटेंस का जो भी कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमने जान लिया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल। अब ये क्या चीज है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, गिब्स फेज रूल। अब ये गिब्स फेज रूल होता क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो गिब्स फेज रूल का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि P प्लस F इज इक्वल टू सी प्लस टू। अब ये क्या चीज है देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज, इसमें जो P है, P जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं। F क्या है, F जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर सी क्या है, सी जो है वो है नंबर ऑफ
केमिकल कंपोनेंट, तो जो भी सिस्टम आपको दिया होगा उस सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए आपको कभी कभी गिब्स फेज रूल का भी यूज करना होगा, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितने फेज एग्जिस्ट हो रहे हैं वो, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने पैरामीटर्स लगेंगे, ठीक है। मतलब इसमें सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने पैरामीटर लगेंगे। अगर मुझे कोई सिस्टम दिया है और मुझे उसे आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम का स्टेट क्या है, उसे डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए मुझे कितने वेरिएबल्स लगेंगे, तो वो मुझे इससे पता चल जाएगा। और सी क्या है, सी इज द नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, उस सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, और प्लस 2, ठीक है। तो इसमें से, इन तीनों में से अगर आपको कोई भी दो पता हो तो आप इजिली जो है थर्ड वन आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है टू आइडेंटिफाई द सिस्टम वेरिएबल रिक्वायरमेंट। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सिस्टम में अगर उसमें कुछ फेज बताया है कि हाँ मतलब 2 फेज है 3 फेज है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट भी उसमें मुझे दिया है, तो वो केस में मुझे कितने वेरिएबल्स लगेंगे टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, तो बाय यूजिंग गिब्स फेज रूल हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।